Good morning class. This is our new genetics class in which today we will discuss about our new topic, that is neural tube defect. It is a genetic disorder. Actually आप जानते हैं कि neural tube जो है हमारे gestation period starting में initial first month के अंदर जो neural tube develop होती है तो ये एक flat plate के रूप में होती है और फिर धीरे धीरे जो है ये गोल होती हुई बंद होती है और एक ट्यूब का रूप ले लेती है. इसे अपन न्यूरल ट्यूब कहते हैं. पहले ये न्यूरल प्लेट होती है और फिर ये गोल होकर के बंद होती है तो इसको अपन न्यूरल ट्यूब कहते हैं. ये न्यूरल ट्यूब का बंद होना अगर सही से नहीं चल पाता, कोई डिफेक्ट उसमें रह जाता है, तो उस कंडीशन को, उस एबनॉर्मल कंडीशन को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, जिसमें न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं हो पाती, बंद नहीं हो पाती. किस कारण से ऐसा होता है, हालांकि हमें इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है, हम नहीं जानते कि क्यों होता है. ये मल्टीफैक्टोरियल मानी जाती है डिजीज़, पर फिर भी इसका जो सबसे मेन कॉज है वो है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. अगर प्रेग्नेंट लेडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या किसी भी फीमेल में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है सीवियर वाली, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के. ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो, उसको अपन एनटीडी कहते हैं. एनटीडी को हम टू क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. ओपन और क्लोज का मतलब क्या है कि अगर वो न्यूरल ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ओपन हुई हुई तो हम उसे ओपन ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, और अगर उसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, हालांकि वो ओपन है पर हमें नहीं दिखाई दे रही, तो उसको अपन क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं. जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, फोटो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, बच्चे के अंदर ये ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है. तो ये देखिए, ये मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट है इंडिया के अंदर. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो एनएनसेफेली से लेकर के स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा या स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के रूप में पाया जा सकता है. ये सब न्यूरल ट्यूब के ही टाइप्स हैं. ये 2015 के अंदर जो है न्यूरल ट्यूब का प्रेवलेंस इंडिया के अंदर 1000 टोटल बर्थ में से 4.5 था. मतलब 1000 बर्थ में 4.5 जो बच्चे थे उतने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से ग्रस्त थे. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक बर्थ का डिफेक्ट है जिसमें ब्रेन, स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व रहती है. मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफेक्ट आ जाता है. ये प्रेगनेंसी के पहले मंथ में ही हो जाता है. इससे पहले कि प्रेग्नेंट लेडी को ये पता चले कि उसने कंसीव कर लिया है, उससे पहले ही ये डिफेक्ट है जो उसके अंदर अराइज हो जाता है. क्योंकि मैंने आपको बोला कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है, और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स तो आप जानते हो कि प्रेगनेंसी के अंदर वैसे भी दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है गवर्नमेंट. तो फिर क्यों हो जाता है ये, क्योंकि प्रेगनेंसी का पता चले उस लेडी को, उसके बाद वो आयरन की टैबलेट्स लेगी. पर ये डिफेक्ट उसको कंसीव हो चुका है, ये पता चलने से पहले अराइज हो चुका है. मतलब अगर इस डिसऑर्डर से बचना चाहता है पर्सन, तो उसको शुरू से जो है अपने अंदर आयरन की अमाउंट को जो है वो प्रॉपर अमाउंट को मेंटेन रखना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी के बाद हम टेबलेट्स लेकर के उसको मेंटेन करेंगे. और यही रीज़न है गवर्नमेंट ने अब स्कूल्स के अंदर भी जो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी स्टार्ट कर दी हैं. अब टू मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के एग्जांपल में स्पाइना बाइफिडा और एनएनसेफेली हम पढ़ते हैं. स्पाइना बाइफिडा में फीटल स्पाइनल कॉर्ड जो है या स्पाइनल कॉलम जो है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाती, जबकि एनएनसेफेली डिफेक्ट के अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो ढंग से नहीं होता. स्पाइना बाइफिडा में स्पाइनल कॉलम और एनसेफेली के अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता. अब कॉज, तो मैंने कहा एग्जैक्ट कॉज तो हमारे को पता ही नहीं न्यूरल ट्यूब के क्या होते हैं, पर फिर भी मेनली मैंने बोला, एक तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा न्यूट्रिशनल फैक्टर क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी है, तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर माना जाता है. न्यूट्रिशन में सभी तरह का न्यूट्रिशन, पर फॉलिक एसिड को तो अपन को स्पेशली मेंटेन करना है, मेंशन करना है कि पुअर इनटेक अगर आप फॉलिक एसिड का कर रहे हो, यानी फोलेट नहीं ले रहे हो, तो ऐसा हो सकता है. या जो ओबेस वुमेन होती है, ओबेसिटी वैसे भी सभी बीमारियों का घर है, या जो लोग एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस ले रहे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें भी ऐसा देखा जा सकता है. तो इतने सारे इसकी इटियोलॉजी, यानी ये मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है.
अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखिए, न्यूरल प्लेट गेस्टेशन के 17वें दिन के अंदर दिखाई देने लग जाती है और वो थिकन हो जाती है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से वो थिकन हो जाती है। 18वें दिन ये न्यूरल प्लेट जो है वो फोल्ड होना स्टार्ट होती है मिड लाइन के अलोंग ये फोल्ड होगी और 3rd गेस्टेशनल वीक के एंड तक ये पूरी तरह से फोल्ड होकर के एक ट्यूब का रूप ले लेती है, फ्यूज़ होकर के एक ट्यूब का रूप ले लेती है जिसको अपन न्यूरल ट्यूब कहते हैं। ये जनरल फिजियोलॉजी है कि हमारी न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है। अब ये जो फ्यूज़न है वो हमारे हाइंड ब्रेन सर्वाइकल जंक्शन से स्टार्ट होता है, प्रोसीड करता है रोस्ट्रली और देन कॉडली, ये प्रोसीड करेगा। उसके बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड जो है न्यूरोपोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं और एक ट्यूब बनाते हैं जिसको अपन स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब इस न्यूरल ट्यूब में इंटरप्शन किस जगह पर आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरप्शन न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन डेवलप्स एनटीडी में अफेक्ट द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कि ये जो न्यूरल ट्यूब बंद हो रही है, फ्यूज़ हो रही है फोल्ड हो करके, उसके किस पॉइंट पर इंटरप्शन आ गया, कौन सा पॉइंट है जहाँ से वो फ्यूज़ नहीं हुई है, वहीं पर डिपेंड करेगा कि ये एनटीडी डेवलप कैसे होएगी और किसको अफेक्ट करेगी, ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन को करेगी तो एनसेफेली और स्पाइनल कॉर्ड को करेगी तो स्पाइना बाइफिडा। अब टाइप्स में स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट में अपन ने स्पाइना ओकल्टा, मेनेंजियोसील, मेनेंजियोमाइलोसील, इस तरह से अपन क्लासिफाई कर रहे हैं इसको। ब्रेन डिफेक्ट दो तरह का होता है, एनसेफेली और एनसेफेलोसील। वो तो था स्पाइनल कॉर्ड का डिफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड था स्पाइना ओकल्टा, मेनेंजियोसील और मेनेंजियोमाइलोसील, और ब्रेन का डिफेक्ट है एनसेफेली और एनसेफेलोसील। अब कॉमन टाइप्स का स्पाइना बाइफिडा में सबसे पहला स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, माइल्डेस्ट फॉर्म है भाई ये, सबसे सिंपल सी, जिसमें छोटा सा ही गैप रहा है स्पाइन के अंदर, पर ये जो ओपनिंग है वो बैक में आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ना दो तरह से क्लासिफाई किया था, ओपन और क्लोज। क्लोज आपको दिखती नहीं है, ओपन आपको दिखाई देती है। तो ये जो स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा है ये बैक में आपको दिखाई नहीं देगी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन इसमें नॉर्मल रहता है, कोई बड़ी डिसेबिलिटी देखने को नहीं मिलती, इसलिए तो बोला मैंने कि माइल्डेस्ट है, माइल्डेस्ट फॉर्म है ये, तो ज़्यादा इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। जबकि मेनेंजियोसील जो है वो एक सैक का, फ्लूड का सैक है, एक थैला है फ्लूड से भरा हुआ, जो स्पाइनल नॉट इन्वॉल्विंग द स्पाइनल कॉर्ड, ये एक थैला है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बस ये बैक के ओपनिंग, बैक में ओपनिंग से बाहर निकल करके आता है और मेनेंजेस को इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व मेनेंजेस ऑल्सो, मेनेंजेस भी इन्वॉल्व रहती है, बैक से ही निकल के आया हुआ होता है, जिसको अपन मेनेंजियोसील कहते हैं। नेक्स्ट माइलो मेनेंजियोसील एक बहुत ही कॉमन और मोस्ट सीवियर फॉर्म है ये स्पाइना बाइफिडा की। इसमें स्पाइनल कॉलम का अनफ्यूज्ड पोर्शन जो है allows the spinal cord to protrude through an opening, unfused portion से spinal cord बाहर निकल जाती है, उस opening से वो बाहर निकल जाती है, इतना बड़ा उसमें open area रह जाता है, जिसमें कि forming a sac, एक sac बन जाएगा, spinal elements को enclose करता हुआ एक sac बन जाता है, जैसे meninges, cerebral spinal fluid और spinal cord के parts और nerve roots इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करता हुआ एक सैक बन जाता है, इसको अपन माइलो मेनेंजियोसील कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में एक बड़ा पोर्शन अनफ्यूज रह जाता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल जाती है और एक सैक बना लेती है जिसमें स्पाइनल एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि मेनेंजेस जो लेयर है, कवरिंग है इसकी, CSF रहेगा, उसमें स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स रहेंगे और नर्व रूट्स रहेंगी। ये रहा ये ऐसा स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा है, ज़्यादा नुकसान है नहीं, छोटा सा पोर्शन इसमें खुला रह जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ बीच में गैप दिखा जाए ना, ये जो गैप है, ये गैप, ये वाला जो गैप है, ये गैप जो है वो स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा को दर्शा रहा है। मेनेंजियोसील में एक सैक निकल गया, केवल सैक निकला है मेनेंजियोसील में, तो माइलो मेनेंजियोसील में ना केवल सैक निकला है बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारे एलिमेंट्स भी उसके अंदर आ गए हैं, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे से पहचान सकते हो। अब एनटीडी के साइन सिम्टम क्या है भाई, ब्लैडर और बॉवल कंट्रोल रह नहीं पाता, मतलब आप यूरिन को, स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यूरिनेशन
डिफिकेशन कंट्रोल नहीं कर पाते हो, सेंसेशन भी थोड़ा बहुत या पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लेग्स में पैरालिसिस हो जाता है पार्शली या कम्प्लीटली कुछ भी कह लीजिए, हिप्स लेग्स और बच्चों के फीट वगैरह में कमज़ोरी आ जाती है, दूसरे सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे होते हैं जैसे कि पैर जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाएंगे तो क्लब फुट जैसी अपीयरेंस आ रही होती है, फ्लूड जो है स्कल के अंदर भर जाता है यानी हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, पा मूवी आपने देखी है ना, उसमें जो अमिताभ बच्चन का केस था वो यही था, सर बड़ा हो जाता है, हाइड्रोसिफेलस हो जाता है इसके अंदर। ये टॉपिक अपन अभी अपनी पैथोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे भी, एक दो क्लासेस के अंदर ही मैं आपको ये पढ़ा दूंगी टॉपिक हाइड्रोसिफेलस, बल्कि अपनी इस ये अभी पहली क्लास ही जो पैथो की होगी CNS के अंदर, उसमें पहला टॉपिक मैं आपको हाइड्रोसिफेलस ही पढ़ाऊंगी। इसके अलावा सैक्रल रीजन में आपको हेयर दिखाई देंगे और सैक्रल एरिया में डिम्पल आपको दिखाई देगा, खड्डा पड़ जाता है, तो ये साइन सिम्टम है। ब्रेन का डिफेक्ट फोटो में आप पिक्चर में देख ही सकते हो। एनएनसेफेली में मेजर पोर्शन जो ब्रेन का होता है एब्सेंट ही होता है, ब्रेन का स्कल का स्कैल्प का वो एब्सेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। इन्फेंट्स जो इस डिसऑर्डर के साथ होते हैं लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते, केवल कुछ घंटे या कुछ दिन ही बर्थ के बाद ये सर्वाइव कर पाते हैं, बर्थ के कुछ घंटे तक या कुछ दिनों तक ही सर्वाइव करेंगे और फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। जबकि एनसेफेलोसील फोटो में दिखाई दे रहा है भाई पाउच निकल गया, कई बार इसको क्रेनियम बाइफिडम भी कहते हैं, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसमें सेक लाइक प्रोट्रूजन हो जाता है ब्रेन और उसकी मेम्ब्रेन्स का बाहर निकल गया, प्रोट्रूजन मतलब ब्रेन और उसकी मेम्ब्रेन्स जो है वो बाहर निकल गई हैं। इसके सिम्टम्स में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चे को होगी, सारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी क्योंकि नर्व्स पे असर पड़ रहा है। हाइड्रोसेफेलस सर में पानी भर जाता है। स्पास्टिक क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं हाथों और पैरों के अंदर पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ जाती है, लकवा मार जाता है, ये भी अपन CNS के अंदर पढ़ाऊंगी मैं आपको। और माइक्रोसिफाली हेड सर छोटा भी हो जाता है, कई बार माइक्रोसिफाली में हेड छोटा हो जाना, इसको माइक्रोसिफाली कहते हैं, नॉर्मल साइज से छोटा दिखाई देता है। एंटीटी को डायग्नोस कैसे करेंगे भैया, अपन अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हो। मेटरन सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन को 16वें से 20वें हफ्ते के अंदर चेक किया जाता है। एमनियोटिक अल्फा फीटोप्रोटीन भी चेक कर सकते हो, एमनियोटिक एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज भी चेक करके देख सकते हो, ये सब बढ़े हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये ना पॉइंट्स आप याद कर लीजिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लास में ये बात बताई थी जेनेटिक्स की पहली क्लास में भी कि आपके एक टॉपिक आता है प्रीनेटल डायग्नोसिस, क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के ऊपर, तो उसमें यही चीज़ें आएंगी अल्फा फीटो प्रोटीन वगैरह, अपन वहाँ भी पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे याद कर लीजिए, वहाँ पढ़ना आसान रहेगा अपने लिए। अब मैनेजमेंट, हालांकि ज़रूरत तो नहीं है मैनेजमेंट मेरे को पढ़ाने की, भाई किस पोजीशन में लेटाना वगैरह आप खुद से देख लीजिए। एंटीबायोटिक्स वगैरह इंट्रावीनसली अपने को इंजेक्ट करनी होगी, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है जो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे मेडिकली, कैसे सर्जिकली और कैसे नर्सिंगली इसको जो है मैनेज कर सकते हैं डिसऑर्डर को। तो नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशंस है, खुद से पढ़ लीजिए, खुद से रीडिंग कर लीजिएगा। हाँ, ये मैं आपको बताऊँगी कि प्रिवेंशन अपन कैसे कर सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जितनी भी विमेन चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर है उनको डेली 400 माइक्रोग्राम के फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी ही है, सप्लीमेंट्स लेने ही हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रेगनेंसी में तो सब लेते ही हैं, पर ये जो प्रेगनेंसी हुई उससे पहले ही ये आपको पता चले कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, कंसीव कर चुकी है वो लेडी, उसको ये पता चले उससे पहले ही हो चुकी होती है ये डिसऑर्डर, तो इसलिए हमारे को जो चाइल्ड बियरिंग एज है उसी में ही फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या पेशेंट्स को आपको रिकमेंड कर देना चाहिए, हमें बताना चाहिए, हमें एजुकेट करना चाहिए उन लोगों को ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। मदर को एजुकेट करना है कि फॉलिक एसिड उनको हमेशा लेनी है, पैरी कंसेप्शन पीरियड में भी स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेनी ही लेनी है, विमेन जो फर्स्ट प्रेगनेंसी उनकी ऑलरेडी हो चुकी है जिसको NTD था उनको तो डेली 4 mg की टैबलेट फॉलिक एसिड की लेनी है लगभग 1 महीने तक कंसेप्शन से पहले, और फिर पूरी प्रेगनेंसी में 12 हफ्ते तक आपको फर्स्ट 12 वीक्स तक आपको लेनी है। इसके अलावा आप पेशेंट की जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब उनको बताएंगे इस डिसऑर्डर के बारे में कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये एजुकेशन किया
यहाँ से आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ख़त्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ाया। मैं जो आपको स्टार्टिंग में टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, ये सभी वही टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िए भाई, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।